अक्सर हम ये चीज जानते हैं अच्छी तरह से कि इस धरती पे 80% लोगों का धन, 80% लोगों के पास जितना पैसा होना चाहिए वो 20% लोगों के पास है, और 20% धन जो है वो हमारे 80% लोगों के बीच में बटा हुआ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बाकी सारे अपने सर्वाइव कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 80/20 रूल के बारे में, मतलब 80% और 20% के बारे में। ये है क्या, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, और इसे कैसे हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इसे करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस प्रिंसिपल को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें बताया गया है दोस्तों कि ध्यान रखिएगा कि 80% लोग जो हैं उनके पास 20% धन ही है, और 20% लोगों के पास 80% दौलत है। ये हम देख भी रहे हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 80% मटर जो होते हैं वो हमारे 20% मटर की फलियों से निकलते हैं, 80% अनाज 20% धरती से निकलता है। और इसे अगर हम अपने लाइफ में देखें तो दोस्तों ऐसा भी है कि 80% कपड़े हैं हमारे पास, लेकिन कुछ 20% कपड़ों का ही हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अगर हमें मोबाइल में कांटेक्ट देखा जाए तो 80% कांटेक्ट में से 20% लोगों को ही हम फोन करते हैं। इसके अलावा अगर हमारा जो दोस्ती या रिलेशन होता है उसमें ऐसे ही 20% लोग होते हैं जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, जिनके साथ रहना हमें अच्छा लगता है। तो ये होता है 80% और 20% का तालमेल। अब इसे टाइम मैनेजमेंट के लिए भी रूल इसे यूज किया जाता है, और इस रूल को पैसों से संबंधित पैसों के रख रखाव में भी किया जाता है। दोस्तों करना इसमें क्या है, इसको कैसे इस जो रूल है उसका यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कहा जाता है कि ज्यादा अगर हम काम करेंगे मोर एक्शन देन मोर रिजल्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो ही हमें ज्यादा परिणाम मिलेगा। हम ऐसा भी हो सकता है कि हम 20% काम करें, 20% फोकस करें, और हम 80% रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे पढ़ाई में भी ये चीज होता है कि अगर हम जान जाएं कि किस किस क्वेश्चन को करना है और कौन कौन सा मेन टॉपिक है तो भी हमारा रिजल्ट 80% आ सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पैसों के प्रबंधन में भी इसी रूल का यूज हो रहा है। इसमें ये हमें करना है कि हम, मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है कि हमें बचत करनी है। बचत करनी है कितनी, तो अपने सैलरी को 20% बचाना है, और बाकी का जो 80% होता है उसे हमें अपने वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक्सपेंसेस में यूज करना है। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पे आता है कि जब हम 20% को बचाते हैं, मतलब 20% ही अगर हम काम करते हैं तो ये 20% एक टाइम में जाके 80% हो सकता है। ये पैसे 20% जो आप पर मंथ बचा रहे हैं ये जाके 80% में डेवलप हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि बचत तो हमने किया, और लगातार मैंने आपको बचत की वीडियो भी दी है कि आपको पैसे कहाँ बचाने हैं, कैसे कैसे करके आप बचत करके, आप ये जो सेविंग वाला है आपका डिपार्टमेंट उसमें आपको 20% अपना अमाउंट लेके जाना ही है। अब दोस्तों यहां पे बात आ रही है कि इस 20% को हम कैसे यूज करें कि ये 80% में डेवलप हो जाए, ये ग्रो हो जाए। तो उसके लिए भी मैंने इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिए हैं, और अभी भी मैं आपको बहुत जल्द एक इन्वेस्टमेंट पे वीडियो देने वाली हूं। इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं होता है कि हमारा मतलब हम रिस्क लेके ही उसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों बहुत ऐसे स्कीम है, बहुत ऐसे स्मॉल सेविंग स्कीम है जहां पे अगर हम अपने पैसे को लगाते हैं तो हमारे पैसे दोगुने हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ये है कि हमें 11 साल या 15 साल का हमारे पास टाइम पीरियड भी है, तो कोई बात नहीं, हम लॉन्ग पीरियड के लिए अगर अपने पैसे को जमा करते हैं तो हमारा पैसा जितना है उसका दुगना हमें मिलता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है जहां हमारे पैसे दुगने हो सकते हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस की मैं आपको 8 स्कीम बताऊंगी जहां हमारे पैसे दुगने होके निकलते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, और अगर आप पैसे बचा रहे हैं तो हाँ आपको पैसे तो बचाने हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। ये 80% और 20% का रूल
मतलब पैरेटो प्रिंसिपल आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।